एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन गरल अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना झंघा संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कच्ची शराब कारोबारियों के अड्डे पर छापेमारी कर भारी मात्रा में लहर नष्ट किया। ऑपरेशन गरल अभियान के दौरान ग्राम कटारिया और सावला सहित अन्य ग्रामों में स्थानीय थाने की फोर्स और आबकारी टीम के साथ दबिश देकर लगभग भारी मात्रा में लहर नष्ट किया गया। पुलिस के इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया। इस संबंध में एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया कि झंघा थाने की पुलिस फोर्स और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कच्ची शराब कारोबारियों के अड्डे पर छापेमारी की गई। इस दौरान भारी मात्रा में लहर नष्ट किया गया। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऑपरेशन गरल अभियान के दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना झंघा संतोष कुमार सिंह, चौकी प्रभारी नई बाजार मनोज वर्मा सहित आबकारी विभाग की टीम के साथ भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, ये हसुली भी एक बनाने वाले के घर से लिया गया है। अभी तो उसी नहीं नहीं, नहीं, नहीं तो ये जगदीशपुर से। अच्छा, हाँ, जो ये आबकारी विभाग के साथ मिलकर संयुक्त रूप से छापामारी की गई थी, जिसमें भारी संख्या में लहन नष्ट किया गया है। नहीं, गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, केवल अवैध शराब की लहन जो है नष्ट की गई।